आईपीएस अधिकारी और बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है और बिहार की नीतीश सरकार ने इनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे को जनवरी 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया था। उनका कार्यालय 28 फरवरी 2021 तक था। हालांकि उन्होंने मंगलवार को कार्यालय पूरा होने से पहले अपने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया, जिसे प्रदेश सरकार ने मंजूर भी कर लिया। गुप्तेश्वर पांडे के कार्यालय पूरा होने से पहले रिटायरमेंट लेने को लेकर काफी अटकलें लग रही हैं। चर्चा इस बात की भी थी कि गुप्तेश्वर पांडे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा था कि वो एनडीए टिकट पर उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने ना कोई राजनीति पार्टी ज्वाइन किया है और ना मैं कोई राजनेता हूँ। अगर राजनीति ज्वाइन करूँगा तो आप सबको बताकर ज्वाइन करूँगा। समाज की सेवा करने के लिए राजनीति ही सिर्फ एक माध्यम नहीं है। अगर मैं खुद को चुनाव के लायक समझूंगा तो सबको जरूर बताऊंगा। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिर्फ अटकलें हैं। आपको बता दें कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायरमेंट लिया था। उस वक्त भी अटकलें थीं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो नौकरी में वापस लौट आए थे। आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे 33 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं। उन्होंने बिहार के कई जिलों में एसपी के तौर पर जिम्मेदारी भी संभाली है। आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से गुप्तेश्वर पांडे ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो मुहिम शुरू की थी, उसी के बल पर आज सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े केस की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा था, ये न्याय और लोकतंत्र की जीत है, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी बातों को बेबाक तरीके से हमेशा सामने रखा है। कई बार वो खुलकर मीडिया के सामने भी आए हैं। बिहार के युवाओं के बीच इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए बने रहें एशियानेट न्यूज़ हिंदी के साथ।